दो बच्चे भी ना आ जाए इनके। कहाँ है लेके आओ अंदर भी। उदय सिंह। कौन सा गांव? ब्राउन। आपके गांव में कितने लोग बुखार से पीड़ित चल? कम से कम 2000 आदमी। किस प्रकार की बीमारी चल? टाइफाइड मलेरिया डेंगू। आप लोग कहाँ इलाज कराते? निजी अस्पताल में, गांव में, कोई बाहर आगरा चला जाता, कोई कानपुर चला जाता है। मतलब प्राइवेट इलाज करा रहे हैं? हाँ। सरकारी टीम आई? सरकारी टीम एक दिन आए थे, 4-5 लोग बस फिर नहीं आए। तो क्या जाँच हो रही है, दवा दे रहे हैं? जांच वहां करवाई थी लेकिन वो इन लोगों की जांचें हुई वो सही नहीं निकली, फिर सिविल में कराई। दवा भी सिविल से ली। यहां दवा वगैरह नहीं दे रहे? दे रहे मतलब वो अपने हिसाब से दे रहे, बुखार उखार पैरा और वो सिफरों वहाँ बस, और कुछ नहीं दे रहे। मतलब दवा जांच के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है? हाँ। किसी कोई आराम नहीं मिल रहा? नहीं, सब प्राइवेट ही करा रहे। नाम है तौहीद खान। कौन सा गाँव? बरौन। हमारे बरौन गाँव में कितने लोग बीमार होंगे? लगभग कम से कम होंगे 2000 या 2100 या 1900 ऐसे लोग बीमार होंगे, हिंदू मुसलमान सभी लोग। तो आप लोग इलाज कहाँ से करा रहे हैं? इलाज जो है कोई प्राइवेट करवा रहा है, कोई जैसी सुविधा है वैसी सरकारी कोई करवा रहा है। हम लोग प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। प्राइवेट ज़्यादातर करवा रहे हैं लोग। एक आध यहाँ कोई टीम आई है? ये टीम लोहिया से 2-3 आई है, लगभग 2 से 3 दिन आज भी आई थी, कल भी आई है, शायद परसों भी आई थी। जाँच वगैरह? जांच वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। दवा दे रहे हैं सब लोग को, एक ही सी दे रहे हैं, जैसे खांसी या जुकाम है उसे भी, और जिसके सर में दर्द या पेट में दर्द उसे भी एक ही दवाई। तो दवा के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है? हाँ, दवा के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। तो कोई सुविधा नहीं मिल? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे घर में लगभग हैं 4 लोग बीमार हैं। एक हम हुए थे अभी 15 दिन लगभग दवाई खाते हो गया हमें, आधी दवाई अभी रखी भी है, और ये हमारी बहन है और एक हमारी भाभी है, वो बीमार हैं। लगभग कल से उन्हें ज़्यादा बुखार आ गया है, वैसे बुखार आ रहा था कल से ज़्यादा, लगभग 105 बुखार रहा उनको कल। हमारा नाम सबाना बेगम। कौन सा गांव? बड़ी बरौन। आपके गांव में कितने लोग करीब बीमार होंगे? हमारे गांव में तो पूरी बरौनी बीमार पड़ी है, कोई भी अच्छा ही नहीं है, ना ही कोई सुविधा है। क्या परेशानी हो रही? परेशानी क्या, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं टाइफाइड, ये बुखार आ रहे हैं इतनी है कि मार उसका नाम क्या, कोई भी सही नहीं है, और ना ही कोई सरकारी कोई दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं।
कोई नहीं, जे क्या पक्की सड़क जाओ, बताओ इतनी दम नहीं है, इतना पैसा नहीं है तो कहाँ जांच कराने जाएं? तो केवल खाना पूर्ति हो रही है सरकारी? कुछ भी नहीं हो रही है, खाना पूर्ति भी कहाँ से हो रही है? तो आप लोग इलाज पर कहाँ से करा रहे हैं? इलाज क्या करा रहे हैं, अपने वही दवा गोली ऐसे ही कर ली और अपने कोई प्राइवेट इलाज करा रहे हैं? और क्या, जो गाँव में डॉक्टर बैठते हैं उनसे इलाज करा रहे हैं? और क्या? सी कौन सा गाँव है? बरौन। आपके गांव में बुखार से कितने लोग बीमार चल रहे हैं? लगभग 2000। किस प्रकार की बीमारी है? डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया। आप लोग इलाज कहाँ से करा रहे हैं? इलाज ज्यादातर निजी अस्पतालों में, प्राइवेट जो झोला छाप डॉक्टरों से यही इलाज हो रहा है। और मतलब स्वास्थ्य विभाग की टीम मतलब जो एक दिन आई थी, जांच कुछ नहीं हुई है, केवल टेबलेट दिए, पैरासीटामोल और सेप्रो, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जांच और दवा के नाम पे खाना पूर्ति हो? बिल्कुल, खाना ही पूर्ति है। सरकार तो लाख दावे कर रही है कि हम जो है कि बुखार जो चल रहा है, बुखार के लिए काफी अग्रसर हैं, काफी दवाइयां दे रहे हैं, जांचें करवा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब प्राइवेट जांचें हो रही हैं, टोटल सब जांचें करवा रहे हैं अपनी अपनी प्राइवेट। कोई डेंगू वगैरह कोई जाँच नहीं? कुछ नहीं। पानी का कहीं निकास में डाला जो